नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके राशि के महाराशि के दैनिक राशिफल के बारे में, जो कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेंगी, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। आज आपको किन किन चीज़ों से लेकर सावधान रहने होंगे, आखिर ऐसे कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। साथ ही वीडियो के अंत में एक सटीक उपाय भी दिए गए हैं, जिन्हें जानकर आप इस दिन को और भी ज़्यादा खास और बेहतर बना सकेंगे। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखेगा, उन्हें भगवान श्री हरि का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप अवश्य लिख दें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में, फिर बात करेंगे आपका दैनिक राशिफल। देखिए तारीख है आज 25 नवंबर 2021, दिन है आज गुरुवार और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि यह रहेगा सुबह के 4:42 तक। इसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नक्षत्र है और योग की बात करें तो शुक्ल नामक शुभ योग रहेगा। चंद्रमा की जो स्थिति है वह रहेगा कर्क राशि में और आज का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो तकरीबन सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। यह समय में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण और शुभ कार्य बिल्कुल कर सकते हैं। आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो दोपहर 1:34 से 2:55 तक रहेगा। यह समय में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण और नए कार्य करने से बचेगा, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। चलिए बात करते हैं आज का दैनिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आज की पॉजिटिव की। देखिए यह समय कोई रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है और कोई रुका हुआ कार्य आज आपका हल हो सकता है। बस उस पर आज आपको मेहनत करना होगा और उस कार्य को आज आप प्रारंभ करें, इसलिए अपने प्रयासों में कमी ना आने दें। इसके उपरांत अभी आपका किया हुआ परिश्रम आगे चलकर लाभ देगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अभी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मन मुताबिक रिजल्ट देखने को मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा लगेगा मेहनत आपको अधिक से अधिक करना है और पढ़ाई पर ही अपना ध्यान फोकस करना है। इधर उधर समय की बर्बादी करने से आप बचें और समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें यह समय ईश्वर के आशीर्वाद से आप उपलब्धियां भी हासिल कर लेंगे। बात करते हैं निगेटिव, परंतु अचानक ही कुछ खर्चे भी सामने आ जाने से आर्थिक स्थितियां आपकी गड़बड़ आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत चिंता रहेगी, मन आपका परेशान रहेगा। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मन को हमेशा पॉजिटिव रखें और मन को शांत रखें। शांति दिमाग से कार्य करें, किसी भी कार्य में आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके लिए समस्याएँ खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय अपने वाणी पर संयम रखें, सोच समझकर वाणी का प्रयोग करें, क्योंकि इस वजह से कुछ रिश्तों में दरार आ सकती है, इस बात का आपको अधिक से अधिक ख्याल रखना है। इसके उपरांत यह समय किसी भी तरह की आवाजाही करने के लिए भी समय आपका अनुकूल नहीं है, इस समय आप थोड़ा धैर्य रखें। व्यवसाय की बात करें तो यह समय नौकरी तथा कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां अनुकूल रहेगी। सिर्फ साथियों की गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस समय साझेदारी में किसी प्रकार की कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में आपको थोड़ा सा नजर रखना होगा और चौकन्ना रहने की भी जरूरत है।
हालांकि आप पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको थोड़ा संभल कर और सतर्क रहना होगा। इसके उपरांत प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम आपका पूरा होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। लव लाइफ की बात करते हो, हर समय दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक आप समय स्पेंड कर पाएंगे। आपको बता दें, कुछ समय आप अपने परिवार वालों के साथ अवश्य बैठें और मिल बैठकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज आप लेंगे और किसी नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ विवाह संबंधित गतिविधियों में भी व्यस्तता भी रहेगी। इसके उपरांत आपको बता दें, सेहत की बात करते हो, हर समय गैस और एसिडिटी जैसी समस्या आज आपकी बढ़ सकती है। आप थोड़ी सी सावधानी से अपने आप को बचा सकती हैं। वायु और बादी वाले चीज़ों का सेवन आप करने से परहेज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और शारीरिक सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन आप अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग काला और नीला है। भाग्यशाली अंक आज आपका 8 है। उपाय की अगर बात करें तो सफ़ेद चंदन की जड़ को नीले वस्त्र में लपेटकर अपने पास रखने से प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी।